हैं आप सब। चलिए फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लंच नंबर, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो नंबर होते हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है ठीक है जानते हैं। थाउजेंड इज इक्वल टू वन टेन थाउजेंड, ठीक है, कितने टेन थाउजेंड मिलके हमारे वन टेन में कितने थाउजेंड होते हैं। वन टेन का मतलब होता है टेन, टेन थाउजेंड इज इक्वल टू वन टेन थाउजेंड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ है टेन टेन थाउजेंड, हमारे पास टेन टेन थाउजेंड है, तो उसका मतलब क्या होगा, कितने लैक्स होंगे हमारे बैंक में, होगा वन लैक्स, कैसे होगा ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये होगा तो होगा कैसे। हमारे पास थाउजेंड है, ये होगा हमारा टेन, ठीक है, और टेन थाउजेंड, थाउजेंड्स में हमारे कितना होता है, वन टू थ्री जीरो होता है हमारा थाउजेंड में, और इसमें वन एक, ये हो गया हमारा वन टेन थाउजेंड, वन टेन थाउजेंड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये क्या हुआ हमारा ओनली वन टेन थाउजेंड, लेकिन हमें बता रहा है टेन टेन थाउजेंड, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई इसमें किससे करना होगा, टेन से, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, वन लैख इज इक्वल टू वन लैख, ठीक है। हमने नंबर्स नेम हमने कर लिया है, और हम देखते हैं पैलेस वैल्यू, व्हाट इज अ पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू क्या होगी, हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। पैलेस वैल्यू, ठीक है, हमारे पास कोई डिजिट है, आज कुछ भी ले लीजिए आप, 28,902, इसमें हमें पैलेस वैल्यू का मीन्स है जो हमारा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड सबको हमें इंडिकेट करना होगा, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है हमें ये बताना होगा। जैसे इसमें हमारी वंस की पोजीशन क्या है, वंस, ठीक है, सो वंस तो है, लेकिन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टू वंस, दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द टू वंस, ये हमारा वंस है, ये हमारा क्या होता है जीरो टेंस, ठीक है, हंड्रेड नाइन हंड्रेड, क्लियर हुआ, गप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं चाहे तो हम, एट थाउजेंड टू टेन थाउजेंड, ठीक है, हमें शॉर्ट में ही लिखती हूँ, टू टेन थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये हमें हो गया, बट हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, सो टू मल्टीप्लाई वन, दैट इज द वंस का मीन्स रहता है हमारा जो नंबर है हमारा उसमें से हमें वन से मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है जीरो मल्टीप्लाई टेन, दैट इज द जीरो, ठीक है। अब हंड्रेड का मीन्स होता है नाइन मल्टीप्लाई वन हंड्रेड, भाई हंड्रेड की बात करें तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो ना, ये इनकी पहले वैल्यू होगी, एट मल्टीप्लाई थाउजेंड, दैट इज एट थाउजेंड, ठीक है, टू मल्टीप्लाई टेन थाउजेंड, दैट इज टेन थाउजेंड मीन्स टेन थाउजेंड, ठीक है, That is a 20,000. So each number की हमें पहले वैल्यू पता लगे कि हाँ ये वंस है, वंस टेंस तो क्या, लेकिन पहले वैल्यू हम कैसे इंडिकेट करेंगे, टू
यहाँ पे हमारे पास जीरो है सो जीरो, नाइन है, नाइन की पहले से वैल्यू क्या है हंड्रेड, एट की पहले से वैल्यू एट हंड्रेड, सॉरी नाइन की पहले से वैल्यू था हंड्रेड, एट की पहले से वैल्यू थाउजेंड और ट्वेंटी, सो टू की पहले से वैल्यू टेन थाउजेंड, दैट इज अ ट्वेंटी थाउजेंड हमें ईच नंबर की पहले से वैल्यू मिल गई। और अब सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर होता थ्री, ठीक है, यहाँ होता थ्री टेंस, सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारा जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, थ्री मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू थर्टी, ये होता है हमारा पेरेंट्स वैल्यू, पेरेंट्स वैल्यू चार, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म, पहले वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक्सपेंडेड फॉर्म वो क्या होता है, एक्सपेंडेड मतलब फैलाना है, जो हमें नंबर दिया उसको हमें फैला फैला के लिखना है, टुकड़ों में करके लिखना है। और नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारे पास नंबर, सबसे पहले हम अपना कॉमास इंडिकेट करेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए नंबर को पहचानने में, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के बाद हमारा फर्स्ट कॉमा होता है, सेकेंड कॉमा होता है हमारा थाउजेंड के बाद, बट हमें आगे कोई डिजिट नहीं तो हमारा एक ही कॉमा आता है, ठीक है। तो हमें पता लगा ये है ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगी, लिखना स्टार्ट करते हैं, जब चाहेगा पहले स्पेसेस डाल सकते हैं, ठीक है, इसके बीच में हमारा प्लस का साइन आ जाएगा टू, ये हमारा 29,000 का मीन्स होता है टू टेंस थाउजेंड और प्लस 9,000, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे कि हमारा ये टू टेंस का है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, सो 29,000, क्लियर है, ओके। अब हम करते हैं प्लस, ठीक है, इससे पहले आपको एक और चीज बता देती हूँ, हम इसको मतलब हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करना है हमें, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, 29 से मल्टीप्लाएंगे 1000 को, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1000 पे है, प्लस हमारा 4 मल्टीप्लाई होगा 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमें पूरा फैलाना है, हमारा जो नंबर दिया है हमें उसे क्या करना है, पूरा फैला देना है, सो अब ये हमारा हो जाएगा 29,000 प्लस 400 प्लस 50, क्योंकि वंस हमारा जीरो है, वंस पे हमारा जीरो तो ये आगे नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म से एक और एग्जांपल देखते हैं, थ्री एट नाइन या 3,89,000 460, ठीक है, हमारे पास नंबर है 3,89,460, इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहे हैं, सो सबसे पहले तो लैक्स है, तो लैक्स से स्टार्ट करते हैं, असल लैक 3 मल्टीप्लाई 1 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5,
3 लाख, ठीक है, प्लस 89 हंड्रेड प्लस 40,
लेग होते हैं, लेग हमारे पास जो भी होगा हम इस वे से करेंगे क्योंकि हमें सबकी वैल्यू पता है और वंस की वैल्यू हमेशा वन रहते हैं, टेंस की वैल्यू दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई टेन से करना है। यहाँ पर हमारा हंड्रेड आता है पहले वैल्यू दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई हंड्रेड से करना है, थाउजेंड पे हमें मल्टीप्लाई 1000 से करना है और लेग्स में वन लेग से मल्टीप्लाई करना है दिए हुए नंबर को। जो भी हमें नंबर दिया उसे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा हम राइट साइड से चलेंगे, जो बड़ा नंबर हमारा लेग्स है या लेग्स है थाउजेंड है उसके हम नीचे की तरफ चलेंगे। जैसे पहले साल में वंस टेंस चलते हैं लेकिन यहाँ पर हमें जो लास्ट डिजिट दिया होगा लेग थाउजेंड उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वैसे ही ऐसे ना एक्सपेंडेड फॉर्म के हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो इसका मतलब है इन सबको प्लस करके लिखना है, जो भी नंबर दिया है प्लस करके लिखना होता है। 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हमारा नंबर है तो हम 5 ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड एंड ठीक है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लैक्स, ये हमने अपने सेल्स डाल क्योंकि हमें देखो थाउजेंड का यहाँ पर हमारा एक ही होगा, 10,000 और 1,000 में मैंने एक ही लिया हुआ सो कंफ्यूज मत होना, 10,000 और 1,000 का हमारा एक ही पीरियड होता है ना तो वो मैं हमने वो ही लिया है। सो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं 3 lakhs ठीक है 89,468 हटा देते हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होता तो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्यों हुआ आपने देखा मैंने सिर्फ 5 स्लैशेस डाले तो वो क्यों थे, क्यों हमारा जो एक पीरियड होता है वो हमने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया था वंस टेंस थाउजेंड लैक्स होते हैं तो जब हमारे पास ऐसे नंबर होगा 89 तो वो हम एक ही पीरियड में इंडिकेट करेंगे, अलग अलग में नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 स्लैशेस लिए 89 और अपने कॉमास इंडिकेट कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वो क्या होता है ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।